करके बताओ भाई एजू को बहुत। Assalamualaikum guys, my name is Zoya Entertainment. कैसे guys आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो guys आज जो है वैसे भी भाई मेरी 3-4 दिनों से इतनी शॉपिंग हो रही, हर दिन तिलक नगर के, कभी तिलक नगर, कभी जूडियो, कभी हयात, कभी कुछ ना कुछ, हर दिन का भाई शॉपिंग का हो रहा है। सो guys आज जो है मेरी मम्मी जा रही है अपनी शॉपिंग करने के लिए, उन्हें सूट वूट लाने हैं, तो मेरी मम्मी जाके जाऊँ मैं पापा के साथ। तो guys आप ब्लॉग में बने रहे और अभी जो है मैं नानी के घर हूँ, सो आप ब्लॉग देखते रहे। सो गाइज एलिफ जी है आज हमारे साथ। एलिफ गाइज ये मेरा भांजा, मेरी बहन का बेटा। एलिफ कैसे हो भाई? अच्छे हैं? अच्छे अच्छे हो? कहता दीदी मैं आपके ब्लॉग नहीं देखता, पागलपन की करती हूँ। साले तन्ना मारूंगी, मारना मारा जाए बेटा आज तो बेटा। देखिए एजू, एजू हाय बोलो। हाय। सो एजू मम्मी शॉपिंग करने जा रही है, तुम्हारे को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? है? हट पागल इंसान। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी रेडी हो रही है। जा रहे हो? मेरी मामी आर्यन को देखो कैमरे में। मम्मी देखो अभी कैसे लेटा हुआ था। मेरी मुस्कान दीदी ए जो तैयारी है, कहाँ जा रहा है? फालतू ही जा रहा है अपने आप से। एजू नहीं जाएगा, लेट हो रहे हैं। अच्छा तो भाई हमें रिक्शे में जा रही है और हमें पिकअप करने के लिए मिलेंगे इनके पापा, तो देखते हैं। मेट्रो स्टेशन, अब हम जाते हैं लिफ्ट के ऊपर। लिफ्ट आ चुकी है हमारी। आज हम जा रहे हैं अकेले, बच्चे भी घर पे है क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। गाइस ये यहाँ मेट्रो आई है और मैं शायद यहाँ गलत साइड आ गई हूँ। देखो यहाँ मेट्रो आई है और मैं आ गई हूँ शायद गलत साइड। उनको देखते हैं हमें, वो हमें उस साइड दिखेगी। ये मेट्रो जा रही है और वो कहाँ उतरे हो रहे उधर। मैं गलत साइड आ गई हूँ। अब मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। देखो ये रे, ये खड़े। मैं गलत साइड चली गई थी, मैं आ गई थी गलत साइड। इतना मेट्रो पे सफर करने के बाद इनको ये नहीं पता कि सुभाष नगर में कौन सी तरफ चढ़ना है। अरे भूल जाते हैं, जबकि इनका घर इतनी पास में है फिर भी भूल गए हैं। कोई नहीं। तो भाई आज हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं आए हैं, आज हम दोनों ही अकेले जा रहे हैं। आज इसकी शॉपिंग होगी, बहुत दिन होगा इसको शॉपिंग करते हुए। आज इसको करवाते हैं शॉपिंग, देखते हैं क्या क्या लेती है। सुभाष नगर मेट्रो तो आ चुके हैं, फिलहाल हमारी मेट्रो नहीं आई है अभी। कहाँ है मैडम? मैडम ये खड़ी शॉपिंग करने जा रही है और ये नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। मैं अकेले जाती नहीं हूं। आज इनके बच्चों को छोड़कर आई हूं अकेले, फ्री माइंड। आज फ्री माइंड है और आज ये दबा के शॉपिंग करेगी। गाइस देखते हैं क्या क्या शॉपिंग। गर्मी कितनी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन मौसम मस्त हो रहा है, धूप नहीं आ रही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मेट्रो आ चुकी है अपनी, कहाँ है मेट्रो मुझे तो नहीं दिख रही। तो भाई ये मेट्रो आ चुकी है अपनी, अब चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी है जहां अपने को पहुंचना था, अब सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। तो भाई अपनी डेस्टिनेशन चेक कर सकते हो, जामा मस्जिद है, पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद। अब देखते हैं यहां से क्या क्या इसको पसंद आता है, क्या क्या लेती है। ये अपना मीना बाजार आ चुका है जामा मस्जिद का। सारा सामान मिल रहा है अपना यहाँ, चप्पल जूते वूते सब कुछ, खिलौने उलौने। एजू भाई के लिए भी देखेंगे, कोई ना कोई खिलौना लेंगे। भीड़ तो यहाँ पे भी हो रही है, इतनी नहीं है जितनी रोज रहती है। गुड़िया मिल रही है बहुत सुंदर सुंदर, छोटी छोटी। मुझे छोड़ के कहाँ गायब हो गई, नजर नहीं आ रही है गाइस, छोड़ के निकल ली है वो, कहाँ है ये री? क्या हुआ, प्यास लग गई इतनी जल्दी? बस एसी में मेट्रो में आकर भी प्यास लग गई।
मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे कि पता नहीं कहाँ गई कहाँ गई। आ चुके अपनी जामा मस्जिद। भीड़ काफी हो रही है खाने पीने की, लोग खा रहे पी रहे हैं। जामा मस्जिद में नहीं जाएंगे लेकिन हम आ गया भाई इनका मीना बाजार। यहाँ सारा सामान मिल रहा है, लेडीज जेंट्स बच्चों का सब। भाई जामा मस्जिद का व्यू एकदम जबरदस्त लग रहा है दिन के अंदर। जा वैसे तो हम ज्यादातर रात में आते हैं लेकिन दिन में देखो कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। भाई मीना बाजार में भी फुल भीड़ रहती है। ये कौन सी मार्केट है, कौन सी मार्केट है ये? तो अच्छा शॉपिंग करने आ गई तेरे को ये नहीं पता है कौन सी छितली कबर है भाई इस मार्केट का नाम? यही यही सब है वो होटल जहाँ पे खाना खाते हैं बैठ के हमेशा हम लोग सैरी करने आते हैं। यही वो एरिया है जहाँ पे हमने सैरी करी है, हर साल करते हैं और अब की बार भी करेंगे इंशाल्लाह। भाई ये चिकन देखो रोस्टेड हो रहा है। ये रोड देख सकते हो आज कितना खाली है, नहीं तो इस रोड पे ना इतनी भीड़ होती है रात के टाइम। अगर आप रमजानों में आओगे तो पैर रखने की जगह नहीं होती और आज पूरा खाली पड़ा है देखो ये रोड। भाई देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं सूट, मैडम को कौन सा सूट पसंद आते हैं, सूट तो काफ़ी सारे हैं इनके पास। तो भाई फाइनली दो सूट तो ले लिए यहाँ से, दो ही समझ आए हैं इनको, बाकी और देखते हैं। भाई चेक करो इसकी शॉपिंग देखो, कितने सारे सूट 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 सूट, और अभी भी है ना यहाँ पे क्या ले रही है कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। अरे चल बस बहुत हो गई, जेब मेरी ढीली कर चुकी है बहुत, अब चल आ जा यार। भाई ये तो सूट के साथ साथ ना इतना ज्यादा फायदा उठाए जा रही है, कभी बुरखा कभी क्या कभी क्या कुछ ना कुछ लिए जा रही है। ये देखो अब ये बुरखे की दुकान में घुस गई आज ही सारी शॉपिंग करेगी बुरखे वुरखे सब कुछ। भाई ये तो सूट के साथ साथ ना इतना ज्यादा फायदा उठाए जा रही है, कभी बुरखा कभी क्या कुछ ना कुछ लिए जा रही है। ये देखो अब ये बुरखे की दुकान में घुस गई आज ही सारी शॉपिंग करेगी बुरखे वुरखे सब कुछ। भाई बुरखे बुरखे हैं यहाँ तो, कितने सूट लेगी, इतने सारे थैले तो हो चुके हैं अब तो छोड़ दे। अच्छे अच्छे सूट लगे भाई, मस्त मस्त है एकदम। जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, यहाँ ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है शाम को शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्या रह गया, आजा जल्दी। ओ भाई इतनी गर्मी में कंबल कौन लेता है, देखो जबरदस्ती कंबल भी ले रही है इतनी गर्मी के अंदर। कंबल कौन लेता है गर्मी के अंदर, ले जल्दी ले। भाई अपने लेस की दुकान पे आ चुके हैं, अब देखते हैं भाई इनको मैचिंग की कर करके एक एक निकाल के देगा। भाई इतने महंगे महंगे सूट लेने के बाद भी ना इनकी देखो लेस भी अलग से लेनी पड़ती है। अब ये एक एक सूट निकालेगी यहाँ और इनके सबकी मैचिंग की लेस लेगी इस दुकान से, ये टाइम बर्बाद कर रही है मेरा और कुछ नहीं है। भाई उस दुकान पे तो मिली नहीं, अब ये आई है इस दुकान पे लेस देखने के लिए। ले भाई ले तू ले जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। भाई शॉपिंग तो हो चुकी है बहुत अपनी, अब कुछ खाना पीना हो जाए, भूख लग रही है बहुत तेज। तो पहले से आकर बैठ गए हैं यहाँ पर। तो भाई आज ये बहुत खुश है, इसकी बहुत दबा के शॉपिंग हुई है आज, आज बहुत खुश है। देख सकते हो इतने थैले इकट्ठे कर लिए इसने, 7-8 सूट ले लिए एक ही बार में, सारी कसर निकाल दी इसने एक ही बार में। मैं आया हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही बार में सारी करेंगे क्या? तो भाई अब इसको लग रही है भूख, अब इसको खिलाते हैं खाना। मुझे भूख लग रही है, तुम्हें भूख ही नहीं लग रही, सारा मेरे ऊपर ही लग रहा है। अब इसको खिलाते हैं भाई कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें, बच्चे आज हैं नहीं साथ में हमारे इसीलिए हम थाली भी ले रहे हैं वरना थाली लेते हैं। हाँ
घर पे संभाल लियो अपने थैलों को, यहीं संभाल रही है तो भाई दोस्त से शक्ल देख सकते हो काली हो चुकी है एकदम, घूम घूम के 3-4 घंटे हो गए हैं, इतनी उमस हो रही ना मार्केट के अंदर, फिर भी इसने कोई दुकान नहीं छोड़ी यहाँ की। अच्छा ये ढूंढ रही थी क्या? अच्छा ये आ चुका अपना मेनू कार्ड। तो भाई ये वही जगह है सेम जहाँ पे हम पहले भी आए थे, चेक कर सकते हो आप, याद करो ये वही जगह है जहाँ पिछली बार भी खाना खाया था हमने, जब आफ्ताब भी था हमारे साथ। सुहान, ओ सॉरी सुहान, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। सुहान, आर्यन, खुशी, एजू, हाँ सारे थे। और पीछे जामा मस्जिद है, देख लो हमारे जामा मस्जिद की फोटो, इधर भी है पुराने टाइम की जामा मस्जिद की फोटो। भाई जल्दी से खाना ले आओ, अब लग रही है भूख, और फिर चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मेट्रो में। तो भाई जो ख़रीदारी करता है, जो मालदार पार्टी होती है ना ब्लॉग, उसी का बनता है, हम जैसे गरीबों का नहीं बनता। चेक करो ये है मालदार पार्टी। भाई होटल में तो थम्सअप ठंडे मिले नहीं, इसलिए बाहर से लिए थम्सअप। चलिए अपने आ चुके हैं कबाब रोल, अपनी थम्सअप, और बात हो रही है खुशी से। खुशी से पता नहीं क्या बातें चल रही है, बाकी और चीज़ें खाएंगे बाहर, फिलहाल अभी अपने खाते हैं कबाब रोल। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फटाफट। कैसे लग रहे हैं टेस्ट करके बताओ? टेस्टी है ना? खाना पीना हो चुका अपना ख़त्म, पेप्सी चल रही है। तो भाई अब चलते हैं बाहर, कुछ देखते हैं, कुछ वहाँ खाएंगे हल्का फुल्का। रोल तो खा चुके हैं, थक भी चुके हैं बहुत, पैदल चल लिया आज। तो भाई मेरे पीछे एकदम पताका सा बजा, पता नहीं किस चीज़ का, यहाँ पे ये लगा रखा है मच्छरों को मारने का, इसमें मच्छर आ रहे हैं और पटाखा फूट रहा है, डरा दिया इन्होंने तो। लो भाई मैंगो शेक आ गया अपना, लो भाई दो हमें भी दो एक, भाई अपने मैंगो शेक देते हुए। ड्राई फ्रूट तो डाले नहीं भाई ने, अच्छा इसके अंदर ही है क्या? भाई खुशी तो आई नहीं, लेकिन खुशी के लिए शाही टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा, खुशी के लिए लेते हैं अब यहाँ से शाही टुकड़ा। ये रहा अपने भाई के पास, भाई 100 रुपये का पैक करना है, सारी चीज़ है रसमलाई वसमलाई सब कुछ है, ये अपनी खुशी का शाही टुकड़ा पैक होते हुए। आइसक्रीम वाइसक्रीम भी है, ले लिया मैंने पैक करवा लिया खुशी के लिए। पसीने देखो कितने आ रहे हैं तेरे, बहुत गर्मी है भाई बहुत गर्मी। बड़े मोहब्बत के शरबत चल रहे हैं, शाम होते ही भीड़ हो चुकी है फुल यहाँ। दुबई के शेख आप मिल चुके हैं हमें, ये रहे हमारे दुबई के शेख भाई। इतनी दूर आए हैं तो फिर जामा मस्जिद के अंदर भी चलते हैं, 5-10 मिनट बैठेंगे अंदर। भीड़ तो आज भी बहुत हो रही है यहाँ पर, कहाँ रह गई? जल्दी आ जा, थक गई रेल बन गई, शॉपिंग तो हो गई लेकिन रेल बन गई। बहुत दिन से कर रही थी शॉपिंग कराओ ऐसी शॉपिंग करी है, रेल बन गई इसकी चल चल के। तो भाई देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूट की शॉपिंग करके आई है मैडम। बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हाँ पसीना इतना आ रहा है ना, पसीना तो रुक ही नहीं रहा है, शक्ल देख सकते हो एकदम पूरा पसीने में हो रही है। और देखो काफी सारे लोग आए हुए हैं, आज भी ऐसा नहीं है कि खाली है। जामा मस्जिद देखो कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो भाई 5-10 मिनट बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। क्या कह रहे हो आप? फिर जाएंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। भाई अब ये लोग कह रहे हैं कि मस्जिद खाली करो, आवाज़ें लगा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, सामने देख सकते हो आप कौन सा कैफ़े है वो सामने वाला, गुम्मत कैफ़े है वो सामने, अभी रात हो गई ना इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है। तो भाई चलते, देख रहे हो भाई रात होते ही कितनी भीड़ हो चुकी है, कितने लोग निकल रहे हैं जामा मस्जिद से, और सामने देख रहे हो कितनी रौनक हो गई है जामा मस्जिद में। हम जिस टाइम आए थे पूरा खाली था, और अब पूरा भर चुका है एकदम लोगों से। आज यहाँ की लाइट क्यों बंद है भाई? आई लव जामा मस्जिद की,
पता नहीं लाइट क्यों बंद कर रखी है। काफी अच्छे अच्छे खुल गए यहाँ पे भी, अल गुलजार पता नहीं कौन कौन से हैं भाई। ये यहाँ के फेमस मोहब्बत शरबत वाले हैं, सबसे फेमस यही है। यहाँ पे एक नवाब भाई है और एक ये है। आज ये शायद वीडियो बना नहीं रहे भाई, अब जाके थोड़ी सी गर्मी कम लगी है लेकिन पसीना तो आ रहा है। अब खुश है ना तू शॉपिंग करके? है। भाई हंस दी, मेरे पैसे वसूल हो गए, ये खुश होगी तो मेरे को पैसों की कोई चिंता नहीं है। लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ गई है, लड़की बना रहे अब इसको कोई टेंशन नहीं है। पैसे लगे जितने लग गए कोई बात नहीं, ये हंस दी इसका मतलब पैसे सारे वसूल। ये खुश है ना, ये खुश है, ये खुश रहना चाहिए। अपनी मेट्रो भी आ चुकी है घर की, चलो भाई चलो जल्दी फटाफट। भाई फुल भीड़ हो रही है, सीट तो मिली नहीं हमें। भाई हम उतर चुके हैं बीच में तिलक नगर, ये देख सकते हो तिलक नगर है। खुशी और ऐजान दोनों है अपनी नानी के घर, अब वो दोनों वहाँ से आ रहे हैं, उन दोनों को यही मेट्रो से लेकर और सीधा निकलेंगे अपने घर पे। तुम फोन मत गिरा देना नीचे। अरे कोई नहीं, फोन गिर जाएगा तो फोन गिरते ही जान निकल जाएगी इसकी। फोन से तो सारे काम है। भीड़ हो रही है तिलक नगर में, कभी भी आ जाए, यहाँ फुल भीड़ ही रहती है। यहाँ से भी कुछ शॉपिंग करनी है क्या? नहीं कर ली। चलो भाई बहुत कर ली इसने आज शॉपिंग। भाई आ गए अपने एजू भाई, हमें मिल चुका है एजू। एजू भाई आ गया है, खुशी भी आ गई है। खुशी और एजू दोनों आ चुके हैं गाइस, तो चलते हैं जल्दी से अब घर अपने। चलो आओ आओ बच्चों। भाई एजू को बहुत मजा आता है सीढ़ी पे। एजू मजा आ रहा है? हाय वाओ, एजू की फेवरेट सीढ़ी यही है। एजू एजू हाय कर दो, हाय मेरा बेटा। भाई एजू भाई को ना मेट्रो से बहुत मजा आता है। एजू कहाँ से चले हम? नहीं हम किससे चले घर? मेट्रो से। खुशी भी थकी थकी सी लग रही है, इसकी माँ तो थकी रही है। तो भाई चलते हैं जल्दी से अपने घर। ये जो बता रहा है कि मेट्रो आ गई है, जो कहाँ आई है मेट्रो? उधर से आ रही है? अच्छा ऊपर से। अब गाइस को बोल दे लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब। अरे व्लॉग एंड नहीं करना है, ये जो घर जाके एंड करना है भाई। भाई एजू ने तो व्लॉग ही एंड कर दिया, और अभी नहीं करना व्लॉग, घर जाके एंड करना है। एजू लो कोका पियो जल्दी से। ओ एजू मेट्रो आ गई, ओ वाओ एजू अपने घर की मेट्रो आ गई। यस यस पिंक लाइन आ गई भाई, ब्लू लाइन को पिंक लाइन बोल रहा है एजू भाई। चलो सो गाइस आते ही इतना सारा सामान दे दिया मेरे को और मम्मी को। पापा कहाँ हैं? पापा और एजू अपना अलग है, एजू पापा अपना अलग है। एजू पिंक लाइन आ गई। एजू ने उसके अंदर से टिकट निकाल ली अपने लिए। एजू क्या हुआ? टिकट मिल गई? ले बता रहे, ले ले इधरा इधरा बता क्या हुआ। टिकट मिल गई, टिकट मिल गई। इतने फोन आए ना, एक बार भी इसने ये नहीं बोला कि मैं शाही टुकड़ा। और अब कह रही है कि शाही टुकड़ा नहीं मिला, शाही टुकड़ा नहीं मिला। भाई पहले बोलना चाहिए ना इसको कि मुझे शाही टुकड़ा चाहिए। जब इसने फोन करी थी जब तो एक बार भी नहीं बोली, अब हम नहीं लाए हैं तो अब कह रही है कि शाही टुकड़ा नहीं लाया मेरे लिए। आए जू टिकट तो मिल गई। फाइनली आ चुका है जनकपुरी, तो चलते हैं। चलो 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 गाइस चलते हैं। फाइनली अपने घर के पास आ चुके हैं, दाबड़ी मोड़। लेकिन बहुत गंदा थक गए, पैरों में हो रहा बहुत गंदे वाला दर्द। हाँ। और एजू आ चुका है अपना, एजू कह रहा है लेट्स गो लेट्स गो। ये चलते हैं। जैसे मेट्रो से बाहर निकले अपने घर के बाहर लगा पड़ा है मंगल बाजार, देख सकते हो घर के बाहर ही सारी चीजें मिल जाती है अपने, ज्यादा दूर जाने। खुशी। ये देखो खुशी ये जा रही, खुशी ए खुशी। चलो भाई चलो चलो भाई चलो। तो भाई दोनों बहन भाई आते ही अपना शाही टुकड़ा चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कैसा है। अच्छा लगा बच्चों? ये जो अच्छा लगा, ओ वाओ।
भाई एजू के लिए है ना एक एंटिक सी चीज लेकर आए ये। और इसके अंदर जो है दिखा देती हूँ, यहाँ से ऑन होती है और इसके अंदर इसके साथ एक मार्कर भी आया, ये बोर्ड है, ये यहाँ पे हम कहीं पर भी लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। खराब कर दिया है तो हाँ, ये खराब नहीं हुआ, ये मैजिक बुक है ये तो हाँ वाला है ठीक है। फिर ये जिस पे भी आप क्लिक करोगे पुलिस वाला आ रही है। अच्छा मैजिक बुक है ये जो बाइक की। तो भाई नहा धो के सब हो चुके हैं रेडी, थक चुके हैं बहुत घूम घूम के, बाहर शॉपिंग हो चुकी है पूरी मैडम की। और ये जो के आपने मैजिक बुक देख सी ली, क्या मस्त मैजिक बुक है। शाही टुकड़ा दोनों बहन भाई खा चुके हैं, ये देखो इन्होंने भी, ये भी रात में नहाए हैं दोनों बहन भाई। तो कैसा आप सब उम्मीद करते हैं, तो बहुत अच्छा होंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं भाई, बहुत थक चुके हैं आज, तो हम ज्यादा थक गए, बस नींद आ रही, सो जाते हैं गाइस हम। भाई कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बता, लाइक करना, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय न्यूज़ वीडियो पे क्लिक द बेल आइकन फॉर माय चैनल। बाय गाइस, बाय।